हेलो, इस हफ्ते हुई है फिल्म हाउसफुल 3 रिलीज। इसमें बहुत सारे लोग हैं, नाम नहीं गिनवाऊंगा, सिर्फ प्रोमो देख लो। पापा, मेरा बॉयफ्रेंड लाखों में एक है। मैं दो हूँ। और मेरा बॉयफ्रेंड पापा जबान का बिल्कुल पक्का है। Will you be my wife? I mean wife. फिल्म में है अक्षय कुमार, रितेश देशमुख और जैकलीन फर्नांडिस। उनके साथ आपको दिखेंगे अभिषेक बच्चन, लीसा हेडन और नरगिस फकरी। और फिल्म जब देखने गई थी शुभ्रा गुप्ता इंडियन एक्सप्रेस की, वो दिमाग घर में रख के गई थी, और जब वापस आई तो उन्होंने इस फिल्म को दिए कोई भी स्टार्स नहीं। समझ तो गए हो गए आप, इतने सारे स्टार्स बट नो स्टार्स। माफ़ कीजिएगा, अगर मुझे इस कहानी की स्टोरी बतानी पड़ेगी तो मुझे घटनाएं लिखनी पड़ेंगी जिनका आपस में कोई तालमेल नहीं है और जिनके होने के पीछे कोई तर्क भी नहीं है। और फरहाद साजिद जो डायरेक्टर हैं वो इसी काम में माहिर हैं। मतलब ये फिल्म फूहड़ दृश्यों और संवादों का, सॉरी राइटिंग का, एक बेहद ही घटिया नमूना है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा कह रहे हैं दैनिक जागरण के अजय ब्रह्मात्मा, जिन्होंने इस फिल्म को दिया है मात्र 1 स्टार। ओए, टाइम्स ऑफ इंडिया की मीना अय्यर ने इस फिल्म को दिए हैं 3 स्टार्स और वो कहती हैं कि अक्षय ने तो इस जॉनरा पे काबू पा लिया है। 1 स्टार उनको। और अगर आपको LOL करना है तो ये फिल्म देखकर आइए, पर हाँ, दिमाग घर पे छोड़ के आइएगा। 3 स्टार्स। सोशल इंटेलिजेंस और जेंडर सेंसिटिविटी, वो दो आखिरी चीज़ें हैं जो इस फिल्म से कोई एक्सपेक्ट कर सकता है। अक्षय, रितेश और अभिषेक चाहें तो थोड़ी सी डायरेक्शन दे सकते थे इस फिल्म को, पर वो भी बेचारी इस माइंडलेस टेल के साथ बहते रहते हैं। स्ट्रिक्टली फॉर हाउसफुल फैंस, अगर कोई है तो, ऐसा कहना है NDTV के साइबल चैटर्जी का, जिन्होंने इस फिल्म को दी है 1.5 स्टार्स। आप थिएटर में घुसते हो ये सोच के कि यार ये तो बिना सर पैर वाली मूवी होगी, पर आप जाके वहां पे हंसते हो और ये सोचते हो कि यार ये नॉनसेंस को कौन सी लेवल पर ले गए हैं। और अगर राइटर्स चाहते ना तो ये अच्छी फिल्म बन सकती थी, ऐसा कहना है मिडडे की शुभा शेट्टी साहा का, जिन्होंने इस फिल्म को दिए हैं 2.5 स्टार्स। बस इस फिल्म में अक्षय कुमार ही है जो हाउस को फुल किए जा रहे हैं। कुछ इंटरेस्टिंग वन लाइनर्स भी हैं, पर ये फिल्म आपको उतना नहीं हंसाती है जितना आप वेलकम या 786 देखकर हंसे होंगे। हंसते हैं जरूर आप, ऐसा कहना है हिंदुस्तान टाइम्स के रोहित वत्स का, जिन्होंने इस फिल्म को दिए हैं 1.5 स्टार्स। तो 6 रिव्यूज के हिसाब से इस फिल्म को मिलते हैं 1.5 स्टार्स। और जाते जाते बॉलीवुड शायरी मेरे जनाब, ये फिल्म नहीं है साजिद खान की, ये फिल्म नहीं है साजिद खान की। प्यार की माँ की, प्यार की माँ की आज से पूजा करनी है, प्यार की माँ की, प्यार की माँ की। तो अगर आपको भी मेरी घटिया शायरी पसंद है और अगर आप अपनी घटिया शायरी भी कहना चाहते हैं तो आपको सिर्फ करना इतना है कि YouTube पे जाना है, BBC हिंदी का चैनल सब्सक्राइब करना है और नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी घटिया शायरी लिख देनी है। तब तक मैं चलता हूँ, बाय बाय। जब अजहर को लगा कि उसके खेलने के दिन कम है तो उसने पैसे लेकर खेलना शुरू कर दिया। अजहर ने अपनी टीम को, अपने देश को, अपने हजारों फैंस को धोखा दिया है।